नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये स्किल सर्वर की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपके स्किल सर्वर के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बताए थे, और ये दूसरी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस के बारे में। जी हाँ, डेटाबेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस महीने में 5000 नए वीडियोज अपलोड करने वाले हूँ मेरे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की। तो आप अगर मेरे चैनल पर बने रहे तो 5000 नए टॉपिक्स मिलने की उम्मीद है आपको। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और स्टार्ट करें सीखना। सबसे देखिए, किसी भी एसक्यूएल सर्वर जो हम बनाते हैं उसमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, क्योंकि जैसे मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में समझाया था कि डेटाबेस जो होता है एक फाइल होती है, फाइल के अंदर जो टेबल्स होते हैं वो सीट होती है, सर्वर आपका मान लीजिए एक सिस्टम हो गया। तो डेटाबेस कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जानिए। बेसिकली डेटाबेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पहला होता है सिस्टम डेटाबेस और दूसरा होता है यूजर डेटाबेस। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने डेटाबेस पे ये क्लिक किया तो ये जो आईपीटी दिख रहा है जिसमें ब्लैक कलर का सिंबल लगा हुआ है, इज द यूजर डेटाबेस, और ये जो सिस्टम डेटाबेस है ये आपके सिस्टम डेटाबेस है। अब सिस्टम डेटाबेस क्या होता है, किसने लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, सिस्टम भी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन रखती है। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन वाले सिस्टम के पास डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस, जैसे मास्टर है, मास्टर के अंदर में टेबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, सिस्टम टेबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉलबैक, मॉनिटर, बहुत सारे ऐसे सिस्टम डेटाबेस होते हैं। तो सिस्टम डेटाबेस के अंदर किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन यूजर डेटाबेस जो कि हमने बनाया हुआ है आईपीटी इधर देख रहे हैं, वो किसी फोल्डर के अंदर में नहीं है, फोल्डर से बाहर है, तो इसमें हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले ये जो डेटाबेस है ऑलरेडी है इसको रहने देते हैं, एक नया डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं, पहला हम उसको ग्राफिकली करेंगे, दूसरा हम उसको क्यूरी से करेंगे। तो चलिए हम क्यूरी से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस। यहां पे डेटाबेस नाम दे दीजिए, हमने यहां पे दस डाल दिया एन डेटा के नाम से, और उसके बाद इसमें डिफॉल्ट डिफॉल्ट कुछ भी है रख दीजिए। अगर आपको एक से ज्यादा डेटाबेस ऑन करना है तो ऐड कर दीजिए। और यहां पे कुछ चीजें हैं कि इसकी साइज एमबी कितनी होगी, आप यहां पे साइज डिफाइन कर सकते हैं, कम से कम साइज कितनी होगी, और 64 MB अनलिमिटेड से लेके अनलिमिटेड जाएगा, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम डिफाइन करना है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है वगैरह वगैरह, यहाँ पे इसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो गई। इसके अंदर टेबल क्रिएट करना सीखेंगे आगे एक टॉपिक में। लेकिन डेटाबेस अगर आपने क्रिएट किया है तो उसको हम करेक्टली कैसे करेंगे, क्योंकि हमने ये किया लेकिन अगर आप ग्राफिकली किया है, आप उसको क्यूरी के जरिए कैसे करेंगे। तो आपको न्यू क्यूरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू क्यूरी पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे क्यूरी राइटर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस के नाम जैसे हम देते हैं पी डेटा, और आप बस इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना, रिजल्ट आ गया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल। और यहां पे देखिए, अब यहां पे नहीं आ रहा है, तो इसको राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका इफेक्ट यहां पे दिख जाएगा। देखिए पी डेटा आ गया, तो डेटाबेस को हमने क्रिएट कर। लेकिन हो सकता है डेटाबेस क्रिएट हुई है तो हम उसका नाम, अगर गलती से पी डेटा नहीं, मुझे इसका नाम मुझे जेड डेटा करना था। तो रिनेम करने के लिए सिंपल सा आप प्रॉपर्टीज में जाएं और रिनेम, और यहां पे आप कर दे एन डेटा। एन डेटा ऑलरेडी है, माफ कीजिए, जेड डेटा करना था ना मैं।
गलती हो गई, जेड जेड डेटा यहां पर रिडीम हो गया। लेकिन इसको अगर माने जेड डेटा की जगह पे मुझे यहां पे डेटा जेड करना था, तो हम इसको क्यूरी से नहीं इससे कैसे रन करेंगे, क्यूरी से कैसे रन करेंगे, तो यहां पे देना होगा अल्टर, क्योंकि चेंज करने के लिए अल्टर का उपयोग होता है। ये आगे आपको टेबल वगैरह में भी सेम यूज होगा, याद रखिएगा। क्रिएट न्यू अल्टर अपडेट, अल्टर डेटाबेस यहां पे डेटाबेस नाम देना होगा, अल्टर डेटाबेस यहां पे मैं दे देता हूं मैं जेड डेटा, और यहां पे देना है मॉडिफाई मॉडिफाई नेम इक्वल टू, और यहां पे दे देता हूं मैं डेटा जेड, मॉडिफाई में वाई लगेगा। अब मुझे पूरा ये नहीं रन करना है, सिर्फ इस लाइन को रन करना है, तो मैं सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और एजुकेट कर दूंगा, सिर्फ ये लाइन होगा। अगर लाइन सिलेक्ट नहीं करता तो फिर क्रिएट डेटाबेस में लाइन भी आपका रन होता। अभी एक बार रिफ्रेश कर दीजिए तो आप देखेंगे कि आपके ये आपका डेटा जेड आ गया। लेकिन मुझे डेटा गलती से हो गई है, मुझे इसको डिलीट करना है। मेरा जो डेटा है गलती से क्रिएट हो गया है और मुझे इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए अब ध्यान रखिएगा, डिलीट करने के लिए आपको यहां पे जो है वो डेटाबेस सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। कि अगर आपने यहां पे डेटाबेस मान लीजिए कि मुझे सिलेक्ट कर लिया, डेटा जेड मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे डेटा जेड को डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्टिव डेटा जो यहां पर डेटा जेड है, एरर देगा आप। तो यहां पे आप चेंज कर लीजिए, या फिर यहां आपको दिख रहा होगा क्लोज क्लोज एग्जिस्टेंस कनेक्शंस, इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं हुआ ना। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं क्लोज एक्सटेंस कनेक्शंस एंड ओके करता हूं। अब मेरा डेटा बेस को क्लोज करके डिलीट कर देगा। लेकिन इसी तरह से मुझे इसको करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको लिखना होगा ड्रॉप ड्रॉप अपना डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस नेम, और ड्रॉप डेटाबेस नेम में आपका मान लीजिए मुझे एन डेटा को डिलीट करना है, तो एन डेटा ये आपका एन डेटा डिलीट कर देगा। लेकिन वही प्रॉब्लम हुई कि आपने ऊपर में एन डेटा ले रखा हो, तो उसके लिए आप यहां पे कोड लिखेंगे अल्टर, कि अल्टर तो चेंज कर रहे ना, अल्टर डेटा बेस सेट सिंगल यूजर विथ रोल बैक इमीडिएट, इमीडिएट स्पेलिंग क्या होता है, आई एम ई डी आई ए टी इमीडिएट। तो ये आपका डेटाबेस को सेट करके डिलीट कर देगा। चलो, तो ये हमारी थी डेटाबेस क्रिएशन। हम एसक्यूएल सर्वर की दूसरी क्लास पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डेटाबेस क्रिएशन के बारे में जाना। अगली क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टेबल्स के बारे में, तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। आगे हम बात करेंगे टेबल्स को किस तरह से हैंडल करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे साथ अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप
iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरिए, एक आध डेमो क्लास लीजिए, अगर ठीक लगा तो हम ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे।